रही है। इसके हाथ में जो भी आता है वो सब कुछ खा जाती है। ये पूरा किचन खाली कर दिया इसने, फ्रिज में भी कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ खा गई ये मोटकी भैंस। और अभी भी खाई जा रही है और कितना खाएगी ये। दूदू बस मेरे खाने को नजर मत लगाओ, ठीक है ना? मैं तो बस थोड़ा सा ही खाना खाती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा खाना, ठीक है? नजर मत लगाओ मेरे को। क्या मोटकी थोड़ा सा खाना खाती है? सारा तो किचन खाली कर देती है और बोल रही है थोड़ा सा खाना खाती है। ठूस ठूस के बिल्कुल गुब्बारे जैसी हो गई है, गुब्बारे जैसी, एक दिन फट जाएगी मोटकी। नहीं नहीं दूदू मैं थोड़ा सा ही खाना खाती हूँ बस। हाँ हाँ बुबू मेरे को पता है तुम कितना थोड़ा सा खाना खाती हो, सारे घर का खाना तो तुम ही खा जाती हो, एक हफ्ते का राशन तुम एक दिन में खत्म कर देती हो बुबू। चलो जाओ यहाँ से दूदू, मेरे को खाना खाने दो आराम से, मेरे को नजर मत लगाओ, मेरे को नजर लग जाएगी तो मैं पतली हो जाऊंगी ना। हाँ हाँ जा रहा हूँ रे मोटकी। दूदू पता नहीं क्यों मेरे को हर बार ही खाने के लिए टोकता रहता है, मेरे को खाना पसंद है। कुछ लोग जीने के लिए खाना खाते हैं और मैं खाने के लिए जीती हूँ ताकि मैं खूब सारा खा सकूँ, और दूदू मेरे को हर बात पे टोकता रहता है। आई ये क्या हुआ, मेरे दांत में लग गई, आई बहुत दर्द हो रहा है। आई ये बुबू को क्या हुआ, ये बुबू रो क्यों रही है इतनी तेज तेज की, कहीं इसने ज्यादा तो नहीं ठूस लिया? मेरे दांत में लग गई मेरे दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा बुबू के दांत में दर्द हो रहा है, मेरे को पता है क्या करना है जिससे बुबू को आराम मिले। गर्म पानी से गार्गल करने से बुबू का दर्द थोड़ा सही हो जाएगा। बुबू बुबू ये लो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, ये लो गर्म पानी और इससे गार्गल करो और फिर इससे ठीक हो जाएगा दर्द, ठीक है दूदू? अरे बुबू सारा पानी पीना नहीं है, गार्गल करना है पानी से। हाँ हाँ दूदू मैं कर रही हूँ। अब क्या हुआ बुबू, अब कैसा लग रहा है? नहीं दूदू अभी भी थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा है। अच्छा बुबू कोई बात नहीं, कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे, ठीक है ना? डॉक्टर के पास चलेंगे फिर ठीक हो जाएगा। ओके दूदू, चलो बुबू अब जल्दी से सो जाओ, तुम थक गई होगी। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।